जय मसीह की दोस्तों, आज के स्वर्गीय मन्ना का भाग हमने लिया है भजन संहिता की पुस्तक उसका 119वां अध्याय और उसका 20वां पद। वचन कहता है, मेरा मन तेरे नियमों की अभिलाषा से हर समय बेचैन रहता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस वचन के लिए। दोस्तों, नियम क्या है? यह भजनकार किस नियम की बात कर रहा है? बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर वचन उसका नियम बन जाता है। नियम, उसके नियम के अनुसार इस संसार की सृष्टि हुई है। उस नियम के अनुसार ही परमेश्वर ने इस धरा को धरा है, आकाश को ताना है। उस नियम के अनुसार ही परमेश्वर ने यीशु मसीह को धरती पर भेजा है। नियम क्या है? नियम यूहन्ना 3:16 है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो आशीष पाएगा और अनंत काल का जीवन पाएगा। नियम है यूहन्ना 14:6, जब मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह है, कोई भी मेरे बिना परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। ये नियम है। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। ये नियम है। जो भी मेरे पास आएगा वो भूखा नहीं रहेगा, वो प्यासा नहीं रहेगा। ये नियम है, ये नियम है मेरे भाई। हमें यीशु मसीह के पवित्र वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना है। ये परमेश्वर के नियम है। इस नियम के अनुसार ही हम चल सकते हैं। इस नियम के अनुसार ही हम उस परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। इन नियमों के अनुसार ही हम अपने जीवन में सुख शांति और अद्भुत आशीष ग्रहण कर सकते हैं। ये नियम है। इसलिए भजनकार कहता है कि जब मैं नियमों की अभिलाषा करता हूं तो मेरे अंदर एक बेचैनी सी आती है। क्यों बेचैनी आती है? क्योंकि शैतान हमारे अंदर डर डालता है कि क्या मैं इन नियमों को पालन कर पाऊंगा, क्या मैं इन नियमों के अनुसार चल पाऊंगा। लेकिन बाइबल कहती है, वचन कहता है, नीति वचन 1:7 कि यहोवा का भय बुद्धि का आरंभ है। ये नियम है। ये भी एक नियम है कि जब तक यहोवा का भय आपके अंदर नहीं आएगा तब तक बुद्धि का आरंभ नहीं होगा। तब तक आप उस बुद्धि को नहीं पहचान पाएंगे, तब तक आप उस पवित्र आत्मा को नहीं पहचान पाएंगे, तब तक आप पवित्र आत्मा के द्वारा चल नहीं पाएंगे। तो इस नियम के अनुसार हमें अपने जीवन को बिताना मेरे भाई। इस नियमों के अनुसार ही हमें चलना है, क्योंकि इसी का 119वां का 105 वचन कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। वो वचन, वो ज्ञान हमें उजाला देता है, हमें ज्ञान देता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है ताकि हम उसकी मंशा को जाने, ताकि हम जाने कि वो क्या चाहता है, हम जाने कि वो हमारे द्वारा क्या चाहता है। क्यों नियम उसने बनाए? ताकि इन नियमों को हम अपने जीवन में लागू करें और परमेश्वर तक पहुंचे। दोस्तों, बहुत ही आसान है हम परमेश्वर के वचनों को समझें, बहुत ही आसान है कि हम परमेश्वर के नियमों को समझते हुए उसके साथ साथ चलें। बस हमें उन नियमों का ध्यान रखना है और अपने आप को नियमों पर एकाग्र कर देना है, दुनिया से हटना है, दुनिया के नियमों को छोड़ना है। अब तक हमने जिन नियमों को देखा है, अब तक हमने जिन नियमों को सुना है, वो नियम संसार के हैं, लेकिन परमेश्वर का नियम अलग है। परमेश्वर का नियम सत्य है, परमेश्वर का नियम सिद्ध है, और परमेश्वर का नियम हमें अनंत काल का जीवन देता है। परमेश्वर का नियम हमें नाश होने से बचाता है। परमेश्वर का नियम हमें अंधकार से दूर करता है। परमेश्वर का नियम हमें उसके प्यार के बारे में बताता है, के त्याग के बारे में बताता है। तो आइए दोस्तों, आज ये अहद करें, ये वाचा बांधें कि हम परमेश्वर के नियम के अनुसार ही अपने जीवन को बिताएंगे। धन्यवाद परमेश्वर इस सुबह के लिए। परमेश्वर, मैं हर सुनने वाले भाई बहनों के लिए तेरा आशीष मांगता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद तेरे नियमों के लिए। परमेश्वर, तूने नियमों के द्वारा सृष्टि को रचा है, तूने नियमों के द्वारा परमेश्वर हमें चुना है, तूने नियमों के द्वारा ही परमेश्वर हमारी बुद्धि को खोला है और हमें अनंत काल का जीवन दिया है। परमेश्वर, तेरे नियमों को हम अपने जीवन में बसा लें, इन तेरे नियमों के द्वारा ही हम अपने जीवन में चलें और आशीष पाएं, सुख पाएं, शांति पाएं और तेरा अभिषेक पाएं। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना अपने सुनने को भूल के मैं नहीं मैं नहीं मैं।